जय माँ विंध्यवासिनी, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और मैं आज उपस्थित हूँ माँ विंध्याचल दरबार। माता रानी का यह दरबार पतित पावनी गंगा के तट पर स्थित है। आइए जानते हैं माता रानी की महिमा एवं विशेषता। ऐसी मान्यता है कि माँ विंध्याचल दर्शन के पश्चात काली को और अष्टभुजी यानी त्रिकोण दर्शन करने के बाद ही आपको फल की प्राप्ति होती है और पूजा संपूर्ण माना जाता है। मंदिर की तरफ निकल चुके हैं, देखिए मंदिर की दोनों तरफ माता रानी के प्रसाद, पूजा एवं हवन की सामग्री उपलब्ध है। सभी दोनों तरफ पूजा की सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं और मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में दार्शनिक दर्शन करके वापस भी लौट रहे हैं। मंदिर के पास पहुंचते हुए देखिए दार्शनिक दर्शन करके भी वापस आ रहे हैं, और वापस होने के बाद कुछ लोग दर्शन के लिए आ भी रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार जिसका कार्य प्रगति पर है, कुछ ही दिनों में माता रानी के इस दरबार का नज़ारा भी बड़ा भव्य होगा। जैसा कि माता रानी की महिमा है, वैसा ही इस दरबार का नज़ारा भी होना है। बड़ी ही खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिल रही है। यहाँ गंगा घाट के पास उपस्थित हो चुके, यही गंगा स्नान करने के बाद सभी दार्शनिक माता रानी की दर्शन पूजा के लिए जाते हैं। यहाँ नौका विहार की भी सुविधा उपलब्ध है। जो दार्शनिक गंगा में नौका विहार करना चाहता है, गंगा सैर करना चाहता है, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। निकल चुके मंदिर की तरफ, हर हर महादेव। देखिए ये प्राचीन मूर्तियाँ, ये माता रानी की धरोहर है इस दरबार की। जो खूबसूरत काली डोर बन रहा है, ये माता रानी की दरबार में 4 चांद लगाने वाला है। कुछ ही दिनों में इस दरबार की महिमा के साथ साथ यहाँ का नज़ारा भी बड़ा दिव्य और भव्य होने वाला है। मंदिर प्रांगण में उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी वीडियो में बने रहें, आप सभी को वीडियो के माध्यम से दर्शन जरूर कराएंगे। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मगर फिर भी परमिशन लेने के बाद आप सभी को माता रानी का दर्शन वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ये मंदिर का मुख्य द्वार, जिसे VIP लेन भी कहा जाता है, यही मुख्य मार्ग है जहाँ माता रानी का दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ इस दरबार में 24 घंटे प्रशासन भी उपलब्ध रहती है, ताकि किसी भी दार्शनिक को कोई असुविधा न हो। ये जो बड़े घंट आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही दिव्य स्थान है। माता रानी की श्रृंगार और आरती के बाद जो माता रानी की आरती शेष रहती है, वो इसी घंट के पास रखी जाती है, ताकि सभी दार्शनिक माता रानी की आरती प्राप्त कर सकें। मंदिर के मुख्य द्वार पर उपस्थित देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, क्या है विशेषता इस मंदिर की, क्यों आते हैं लाखों आदमी प्रतिदिन माता रानी के दर्शन के लिए। आइए देखते हैं माता रानी का यह दरबार, और आप सभी को दर्शन जरूर कराएंगे। माता रानी का यह मुख्य द्वार जो पूर्णतः चांदी से बना हुआ है, और ये माता रानी की प्रतिमा, माता रानी का दर्शन। तो एक बार बोलिए माँ विंध्यवासिनी की जय। माता रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। दर्शन के पश्चात माता रानी की परिक्रमा के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है, और वही माता रानी की परिक्रमा पूर्ण होती है। आइए देखते हैं, कुछ भक्त परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ भक्त यहाँ सेल्फी स्पॉट बनाए हैं। बड़ा ही भव्य नज़ारा होता है। बैकग्राउंड में जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी वजह से
बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये है हवन कुंड, दर्शन पूजा के पश्चात यही हवन होता है। और चलिए आपको काली खो का दर्शन कराते हैं। जय माँ काली खो। इस मंदिर की भी विशेषता रही है, ऐसी मान्यता है कि रक्तबीज नामक का संहार करने के बाद माता रानी यही दिन पर्वत में आके विराजमान हुई। रक्तबीज नामक राक्षस को वरदान मिला कि एक बूंद भी उसका रक्त धरा पर गिरे तो 1,00,000 राक्षस का जन्म होगा। तब माता रानी अपना रुद्र अवतार ली और उसका रक्त पान की। आइए माता रानी का दर्शन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसीलिए माता रानी का मुख ऊपर की तरफ है। जय माँ काली। सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। काली खो दर्शन के पश्चात आपको लेके चलेंगे माँ अष्टभुजा दरबार, जो विंध्याचल के पहाड़ियों में स्थित है गुफा में। माँ अष्टभुजा द्वार पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ भी भारी संख्या में पूजा की सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ दर्शन के लिए आपको सीढ़ियाँ भी हैं, रोपवे के भी है, माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। महिमा के बारे में बताइएगा श्री महाराज जी। माता बड़ी दयालु है, ये गरीबों को बड़ी दया करती है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माता यहाँ पहाड़ पर अष्टभुजा माता के नाम से रहती है। साधु संत बहुत सेवा करते हैं इनकी, और गृहस्थी भी आए हुए अतिथि भी सेवा करते हैं इनके, और बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माता कृष्ण भगवान की बहन है, अच्छा, नंद की बेटी है जी। हाँ, यहाँ आई है, कंस के यहाँ से छुट्टी है, वहाँ से यहाँ सीधा विंध्य पर्वत पर आके बास की है। यहाँ गुफा में विराजमान है, प्रत्यक्ष दर्शन देती है जी। यहाँ स्वयं माता विराजी है और भक्तों का बड़ा जल्दी सुन लेती है। जैसा कि